अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जवाबतकार बनाने वाली जो मुश्तरका कमेटी है, इसके अब तक 5 इजलास हो चुके हैं, लेकिन इनमें डेडलॉक अभी तक बरकरार है। याद रहे कि इस कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुतफिका TORs बनाकर पार्लियामेंट के सामने पेश करने का मैंडेट दिया गया था, लेकिन अगले हफ्ते जब बुध को ये कमेटी को कायम हुए भी 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे, तब भी कोई नतीजा निकलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह वो सियासी कलाबाजियां हैं जो कभी हुकूमती टीम लगा रही है तो कभी अपोजिशन। गुज़श्ता रोज़ हुए कमेटी के 5वें इजलास में हुकूमत ने 4 नए TORs पेश करते हुए अपोजिशन पर यह जोर दिया है कि वो अपने जवाबतकार से दस्तबरदार होकर इन पर मुत्तफिक हो जाएं। हुकूमती मौकिफ़ ये है कि इन 4 TORs, जिनमें इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, वेल्थ टैक्स और दीगर कवानीन का जिक्र शामिल है, इनको अपनाने से अपोजिशन के TORs भी इनमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हुकूमत आखिर अपोजिशन के जवाबतकार अपनाने से डर क्यों रही है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तला'आत परवेज़ रशीद का एक मानी खेज़ बयान सामने आया है कि अगर अपोजिशन के ही जवाबतकार मानने होते तो पार्लियामानी कमेटी क्यों कायम की जाती। इब्तदा में अपोजिशन ने मुज़ाकरात में लचक दिखाते हुए वज़ीर आज़म का नाम भी जवाबतकार से निकालने की पेशकश की थी, लेकिन ना जाने हुकूमत कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपना कर इस मसले को सुलझाने में आखिर अब तक क्यों नाकाम है। सैनिटर एतजाज़ ऐसन ये वार्निंग दे चुके हैं कि TORs पर तसादुम होगा और हम इस वक्त हल की जानिब नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि कोई डेडलॉक है ही नहीं, तो फिर हम किस बात का एतबार करें। अब मंगल को इस कमेटी का 6ठा इजलास होने जा रहा है, क्या हम इस इजलास से किसी अच्छी खबर की तवक्को रखें। अगर ये कमेटी 2 हफ्ते में अपना काम मुकम्मल नहीं करती तो क्या ये हमारी सियासी क्यादत की मजमूई नाकामी नहीं होगी। क्या हम वाकई किसी तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे पठानकोट हमले की तहकीकात की, जिसमें भारत के झूठ का पोल खुल गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी NIA के सरबराह शरद कुमार ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनको कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले कि पठानकोट हमले में पाकिस्तानी हुकूमत या कोई एजेंसी मुलविस है। इससे ये साबित होता है कि जब भी भारत में दहशतगर्दी का कोई वाकया रूनुमा होता है तो इसका इल्ज़ाम बगैर सबूतों के, बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब भारत का अपना हाल ये है कि इसका एजेंट कुलभूषण यादव रंगे हाथों बलूचिस्तान से पकड़ा जाता है, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि भारत बलूचिस्तान और कराची में बदमनी फैलाने के साथ साथ CPAC के मंसूबे के भी खिलाफ काम कर रहा है। कि अब वक्त नहीं आ गया कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी रवैया तर्क करके अपनी जारहाना पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए, इस पर भी आज देंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, ज़फ़र हिलाली साहब कराची से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा अफजल साहब भी हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि पनामा लीक्स में अगर हुकूमत अदम तावुन करेगी तो ये हुकूमत के जाने का सबब भी बन सकता है। अगले हफ्ते कमेटी को 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, तहकीकात तो दूर की बात, TORs पर भी इनमें कोई कंसेंसस नहीं हो सका है अभी तक। तो एतजाज़ अहसन साहब की अगर बात को देखा जाए, समझा जाए, तो क्या लगता है कि PTI के बाद अब जो पीपल्स पार्टी है ये भी सड़कों पर आने का सोच रही है, एक एहतजाज की तैयारी कर रही है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अगर सड़कों पे ना आए एज कंबाइंड ऑपोजिशन, उस पार्टी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा। देखिए, बात सीधी साधी ये है कि अब तक तो अग्रीमेंट नहीं हुआ है, और ये कैसे होगा अग्रीमेंट 1-2 महीने तक, जब तक नवाज शरीफ साहब ठीक हो के वापस नहीं आए। ये जो TORs हैं, इसका माजरत के साथ मैं आपको काटूंगी, इसका नवाज शरीफ साहब के ठीक होने से क्या ताल्लुक है, एक्सप्लेन कर देना। इसलिए कि ये जो TORs हैं वो इम्पैक्ट करते हैं उनके फ्यूचर पे, डायरेक्टली उन पे, उनका पॉलिटिकल लाइफ पे, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे और उनकी फ्रीडम पे। तो मेरे ख्याल में जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो और इधर आए और बैठ के गौर से अपने एडवाइजर्स को ना देखें, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अग्री नहीं करेगी। मगर अब मुश्किल ये है शाजिया कि अगर गवर्नमेंट ना अग्री करे तो हमें तो, जैसे आपको पता है, कल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लॉयर्स ने इनको 2 हफ्ता दिया था जो कल खत्म हो जाएगा, और उन्होंने कहा था कि अगर वो 2 हफ्ते में फैसला ना करें
तो मुझे पता ये चला है कि इस वक्त एक खत लिखा जा रहा है चीफ जस्टिस को और उनको कह रहा है कि आप नोटिस लें कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अग्रीमेंट पे नहीं आ सकते। हाँ, तो या आप TORs बनाएं या TORs आप बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट जब यह खत मिलेगा, जवाब तो उनको देना है, तो क्या करेगी? क्या वो खुद बनाएगी कि कहेगी नैब को आप बना लें? अगर नैब को कहा बना लें या खुद बना लें तो ये ठीक TORs होंगे। तो इसके नतीजे में तो 100% सर्टेंटी है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को TORs बनाकर इन पर बस लागू कर देने चाहिए और उन्हीं TORs के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए, फिर ना ऑपोजिशन को एतराज होगा ना हुकूमत को एतराज होगा? बिल्कुल सही, 100% ये आपने जो बात की, मेरा मतलब मकसद ही ये था और सुप्रीम कोर्ट बार वालों का भी मकसद ये था, भाई बना के तो आप न्यूट्रल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, बना के इनके सामने पेश कर दें। दूसरी बात, मगर अब आप सोचिए थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता कोई चीज ना कहा या जवाब ना दिया, ना कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो ये लॉयर्स सड़कों में निकल आएंगे और शाजिया जब ये सड़कों पे निकल आएंगे तो अपोजिशन पार्टीज इनके साथ होंगे, हर अपोजिशन पार्टीज उनके साथ होगा और फिर क्या होगा? अब देखिए हमें सब चीज पता है, एक वार्निंग तो हमें परसों मिल गई थी, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो सीपैक नहीं होगा, सीपैक नहीं होगा तो तबाही होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, खान साहब सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, एतजाज अहसन साहब ने इशारा दे दिया कि अगर हुकूमत अदम तआवुन करेगी तो हुकूमत के जाने का ये सबब बन सकता है, लॉयर्स सड़कों पर आने वाले हैं अगर TORs में कंसेंसस नहीं होता हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्या हुकूमत अपने लिए खुद ही मुश्किल पैदा कर रही है? देखें शाजी, सबसे पहले तो दुनिया में जिन जिन ममालिक में रमज़ान का चांद नज़र आ गया है सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, अल्लाह ताला बहुत बरकतें और खैरियत के साथ ये महीना लेकर आए। दूसरी बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी इस कौम की कि अगर ये फैसला पार्लियामेंट में नहीं हुआ। पार्लियामेंट बनती किस लिए है? पार्लियामेंट का मकसद ये होता है कि जब कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसाइल खड़े हो, सियासी मसला है ये या कोई माशी मसला है या कोई और बात है, सियासतदान है, सियासतदानों का इल्ज़ाम भी सियासतदानों पे है, उनके अंडर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनके अंदर अदारे आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो UFO की तलाश है कि आसमान से कोई खलाई मखलूक उतरेगी और ये मसाइल हल करेगी। ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ये इस मसले को हल नहीं कर पाए। और मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी और मैं दोबारा ये बात यहाँ दोहरा रहा हूँ बड़ी बदकिस्मती के साथ कि मैं फिर मुझे 1977 याद आता है कि 1977 में मुज़ाकरात हुए थे, बड़े संजीदगी से के साथ हो रहे थे, ज़फ़र लाली साहब को भी पता होगा और याद होगा और बाकी जो हमारे राणा साहब बैठे उनको भी याद होगा, बड़े संजीदा मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन एक मरहला ऐसा आया था कि उन मुज़ाकरात को लाइट लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, उन मुज़ाकरात को आज तक मैं नहीं जानता कि नाकाम बनाने में भुट्टो साहब के कौन से दोस्त साथ शामिल थे। भुट्टो साहब का ये तो मुझे पता है कि जब मैंने कौसर नियाजी साहब की ऑनलाइन कट गई पढ़ा तो कौसर नियाजी साहब कहते हैं कि भुट्टो साहब हफीज पीरजादा साहब को एक दिन आखिरी दिन जब बिल्कुल उनको अंदाजा हो गया कि मामला खराब हो गए तो उन्होंने कहा शट अप हफीज पीरजादा, मुझे मामला तय करने दो, मैं मजीद डिले नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त तक मामला डिले हो चुके थे और भुट्टो साहब बाहर चले गए, तवील हो गए मुज़ाकरात, डेडलॉक हो गया, वो 5 मुल्कों के दौरे पे वापस आए तो उसके बाद ऑनलाइन कट गई। देखिये हर चीज का एक वक्त है। अभी 15 दिन के अंदर मुझे जो तासुर मिल रहा है कि मजाक हो रहा है कि आपने 5-7 सवाल किए, 7 से 70 हो गए, 70 से 15 TORs हो गए, फिर 4 और ऐड हो गए, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन कर जाए और ये मामला सड़कों पे ना जाए, क्योंकि देखें अगर मामला सड़कों पे जाता आपको भी लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा शाजी? इतना बड़ा क्योस आएगा कि उसके नतीजे में ना ये ऑपरेशन जो चल रहा है ऑपरेशन ज़र्ब जो आपके दहशतगर्दी के खतरात हैं, ये सारे मसाइल हैं, ये मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते क्योस के। ये पार्लियामेंट को हल करना है, हकूमत को हल कर, हकूमत को जा देखें, जो अपोजिशन तो वार करेगी,
हुकूमत का काम है कि वो झुके, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए उन, वो तो ऑपोजिशन का इतना उनके स्टेक्स नहीं, इनके स्टेक्स लगे हुए हैं, बल्कि मुझे तो लगता है सिस्टम के स्टेक्स हैं। सही डॉक्टर साहब, ब्रेक लेने दें जी। अगर अगर ये अगर सड़कों पे गया, मैं एक जुमला कह दूं, अगर मामला सड़कों पे गया तो फिर ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं होगा, ये निजाम लपेटने की तरफ मामला जा सकता है। मैं आपसे पूछ रही थी, लेकिन मामला बहुत आगे तक चला जाएगा। सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या फिर ये मसला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने से ही हल हो सकता है? एक छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुश आमद। राणा साहब, क्या वजह है कि हुकूमत अपने ही पॉइंट्स पर जोर दे रही है? हुकूमत की जानिब से वो लाइन ऑफ एक्शन नजर ही नहीं आ रहा है जो चीफ जस्टिस ने जिसकी वजाहत की थी हुकूमत के आप लोगों की टीओआरस मुस्तरद करने के बाद। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और बड़ी ग्रेसफुली जो है वहाँ पे गुफ्तगु चल रही है। वो चार पॉइंट्स कोई नए दिए हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने उन पॉइंट्स को ले लिया है और उन्होंने कहा कि हम मुशावरत करके जवाब देंगे। इस किस्म की महफिल में ऐसे ही निगोसिएशन होती हैं, कोई वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात बेतमादी की बात नहीं है। लेकिन एक बात पर तो हुकूमत और अपोजिशन बजेद है ना, एक बात पर हुकूमत और अपोजिशन बजेद है। अपोजिशन चाहती है कि जो तहकीकात का आगाज है वो वज़ीर आज़म के खानदान से किया जाए, और हुकूमत ये पॉइंट मानने को तैयार नहीं है। यही वो पॉइंट है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक है। ये आपको किसने कह दिया कि हुकूमत ये पॉइंट मानने को तैयार नहीं, जब वजीर आजम खुद ये बयान दे चुके हैं कि मेरे से आप शुरू करेंगे और मेरे खानदान तो से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे वाज़े तो आप लोगों को, आपको क्या सफाई दें? तो फिर ऑपोजिशन के टीआरएस मानने में रुकावट क्या है? उनके टीआरएस का तो पहला पॉइंट ही है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट है ही नहीं वहां पे। आपने चले आप बात कर लें। देखिये बात यह है कि एक काम है उस पर निगोशिएशन होनी है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ऑपोजिशन उसके लिए चली गई। आपके इस टॉक शो में ऐसे लग रहा है कि हमने एक फैसला कर लिया कि यहाँ पे कोई फैसला नहीं होगा, ये आपने मफरूजा एक आपके पास तय हो गया। उसके ऊपर अब आप जो इमारत बना रहे हैं, उसके ऊपर जो इमारत आप बना रहे हैं कि जब, अब मेरी बात अब अगर आप मुकम्मल होने दें कि उसके ऊपर जो इमारत बन रही है वो ये कि अब क्योंकि फैसला नहीं होगा, दंगा फसाद होगा, ये होगा, सड़कों पर आएंगे, और फिर वो भुट्टो साहब के साथ भी ये हुआ था, और ये जो डूम्स डे स्टोरीज हैं ये टॉक शोज के लिए तो ठीक है, लेकिन आप क्या पैगाम दे रहे हैं? हम यही कुछ हम देख चुके हैं, जब पहले 160 दिन का पीटीआई का धरना था तो वो धरना इसीलिए लंबा हो रहा था कि मीडिया के ऊपर आप 16-16 घंटे उनको टॉक शो का मौका देते थे, वो बड़े खुश थे कि हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और जब टीओआरएस की बारी आई तो एकदम से टीओआरएस तय हो गए। इसी तरह से आप देख चुके हैं कि जब एलएनजी को इम्पोर्ट करना था तो ये सारी स्टोरियां यहाँ पे आती थी कि जी मस्कत में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो रेट फलाना हो रहा है, हम अपनी मूछें कटवा देंगे अगर ये सस्ती एलएनजी आ गई। आज सारे उस एलएनजी के ऊपर खामोश हैं। तो ये जो इस किस्म के देखें, डॉक्टर शाहिद मसूद ना ऑपोजिशन में है, ना मैं ऑपोजिशन में हूँ, ना जफर हिलाली साहब ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन के अल्फाज थे कि मामला जूं के तू बरकरार है, एक इंच भी हुकूमत आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ऑपोजिशन अपने मामला से एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार है। मैं तो वो बात कोट कर रही हूँ जो एहतजाज ऐसे नहीं की है कि अगर हुकूमत बजिद रही, हुकूमत ने अदम तावुन किया तो ये बात हुकूमत के अगेंस्ट जा सकती है, हुकूमत के घर जाने का सबब बन सकती है। ये मैं नहीं कह रही एहतजाज ऐसे साहब ने माजरत के साथ आपको बताऊं, आज आप चूंकि हुकूमत में हैं और जाहिर बड़े आदमी हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, आपको ये 24 घंटे का धरने की कवरेज बुरी लग रही है, लेकिन आपको वो लॉन्ग मार्च, जजों के लॉन्ग मार्च की शायद 24 घंटों की कवरेज शायद आपको याद हो, वो भी हम ही लोगों ने की थी, वो भी हमें भी याद है। ये वक्त की बात है राणा साहब, वक्त की बात है। खैर है, और आप हुकूमत में हैं और जाहिर है कि हुकूमत ही बोल रही है, ताकत बोल रही है, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। हम इस तरह इस लहजे में क्या मैं आपसे अर्ज करूँ, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि यकीनन आप भी राणा साहब, आपको भी ये ख्याल आएगा कि मीडिया आपको कवर किया करे, आपको ज्यादा कवरेज है, आपको उस वक्त मीडिया अच्छा लगेगा, आज आपको बुरा लग रहा है। दूसरी बात, एलएनजी का आपको किसने कह दिया कि एलएनजी का स्कैंडल खत्म हो गया है? एलएनजी का जो स्कैंडल है, जो
ये आपने वहाँ पे टर्मिनल दिया है, आप यकीनन उसमें इन्वॉल्व भी, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है आने वाले दिनों में और ये अपनी जगह पक रहा है स्कैंडल। एक अगर खबर खत्म हो जाती है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मीडिया से गायब हो गई तो अहमद सईद काजमी का हज करप्शन स्कैंडल गायब हो गया। 16 साल के लिए अंदर गए हैं वो और 14 साल के लिए बात उनका, मैं कह रही हूं, उनका स्कैंडल हज गया है और वो खबर कहीं नहीं थी, वो खबर कहीं नहीं चल रही थी अहमद सईद काजमी को जी मीडिया में खबर नहीं थी लेकिन उसका फैसला हुआ उसके अंदर का। सकूक बॉन्ड्स और ये गर्दशी कर्जे और ये सारे ये राणा साहब आपको और ये जो मुल्क पे कर्जा चढ़ रहा है ये कैसे आ रहा है और 8 अरब योमिया का कर्जा उठा रहे हैं बाहर से, ये सारे स्कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है आप अपनी तरफ से आप जो मर्जी कहें, मैं वो बात कह रहा हूं जो एक्चुअली हो रही है। टीओआरएस पे आप आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे, 15 दिन गुजर चुके हैं। ऑपोजिशन देखिए ना, वो ऑपोजिशन जो कह रही है वो कह रहे हैं और ये डेडलॉक है। हिलाली साहब आ रही हूं, ये डेडलॉक है। ये अब आप अगर राणा साहब सारी बातें आप कहें कि आप ये कहें कि टीओआरएस पे पेशरफ्त हो रही है, क्या दुनिया का कोई आदमी इस बात को इस वक्त मानने को तैयार है कि टीओआरएस पे पेशरफ्त हो रही है? आप और आप दिल से कह रहे हैं बात, आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि टीओआरएस पे पेशरफ्त हो रही है और एक कमीशन बनने जा रहे हैं जो एहतसाब करेगा पनामा लीज पर, सबके सबका एहतसाब करेगा? नहीं हो रहा है, आप भी मान लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वैसे जी जी राणा साहब, जी जी राणा साहब, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, मान लें राणा साहब। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात अगर कह दूं जी। कि अगर ये टीओआर, चलिए थोड़ा सा हम एक प्राइवेट क्या कहते हैं शर्त लगा लेते हैं, अगर ये टीओआर्स करेक्ट हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो नवाज शरीफ साहब बच नहीं सकते। और अगर इसके बारे में आपको सबूत चाहिए तो आप जनरल अमजद और जनरल मकबूल, एक तो मेरे ख्याल में बहुत नज़दीक हैं हम लोगों के, वो लाहौर में रहते हैं, उनसे थोड़ा सा आप एविडेंस पूछ लें नवाज शरीफ साहब के बारे में और उनके आउटसाइड डीलिंग्स में जो उन्होंने इकट्ठा किया है। तो टी ओ आर अगर सही तरीके से ड्राफ्ट हुए तो ही इज़ अ गॉनर, और अगर सही तरीके से नहीं ड्राफ्ट हुए तो फिर लोग सड़कों पे निकल आएंगे, वो भी मेरे ख्याल में अफसोस से कहना पड़ता है अगेन ही इज अ गॉनर। तो मेरे ख्याल में फ्रेंकली ये बच नहीं सकते। अब देखना ये है कि अगर ये एक पॉलिटिकल हुडीनी के किस्म से ये कैसे इस ग्रिप से निकल सकते हैं, बच नहीं सकते। जैसे मैंने आपको कहा एविडेंस इज देयर, सबके पास है। ठीक है मुझे ब्रेक लेने थे, फिर आके राणा साहब जवाब लेते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे कि डार साहब आप कहते हैं कि स्विस अकाउंट से भी पैसा वापस लाया जाएगा और पनामा लीक्स और जो दुबई लीक जैसे मामलात हैं इन पर भी कानून साजी की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले 3 साल गुजरने के बाद ही हुकूमत को स्विस बैंकों से, स्विस अकाउंट से मुल्क में पैसा वापस लाने का ख्याल क्यों आया? क्या ये पनामा लीक्स की जो हिद्दत है, क्या ये हीट है, इसको ख़त्म करने की कोशिश है, इसको ठंडा करने की कोशिश है? एक छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद राणा साहब से पहले जवाब ले लेते हैं। जी राणा साहब देखें अभी तक जो गुफ्तगू हो रही है उसमें सारा टारगेट जो है कि मियां नवाज शरीफ, जैसे पाकिस्तान में सारी करप्शन मियां नवाज शरीफ की वजह से है, आपको इलम में है कि 5 से 10% लोग जो थे वो पॉलिटिशियन थे, 40 से 50% ब्यूरोक्रेट्स हैं और 30 से 35% बिजनेसमैन हैं जिनके पनामा लीक्स में नाम आए हैं। लेकिन ये बात सारी घूम घूम के मियां नवाज शरीफ और कहते हैं क्योंकि वो वजीर आजम है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो वजीर आजम है, नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वो वजीर आजम है, नाम ही नहीं लिया मियां साहब का, क्योंकि नाम ही नहीं लिया मियां साहब, क्योंकि वो वजीर आजम है, इसलिए वहीं पे सारा कुछ होगा उनका, जो हो जाएगा ठीक तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यही एटीट्यूड कुछ अपोजिशन के मेंबर्स का भी है जो उस कमेटी में बैठे हुए हैं। एक जो वकला होते हैं वो मुकदमा जब लड़ते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि दूसरी पार्टी को शिकस्त हो। यहाँ जो केस चल रहा है टीओआरएस का, यहाँ अपोजिशन ने भी जीतना है, गवर्नमेंट ने भी जीतना है और पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करने के लिए एक टीओआरएस, एक बेहतर कानून लेके आना है। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करना है। लेकिन अगर आप वो टीओआरएस बनाएंगे जो नवाज शरीफ से शुरू होंगे
और नवाज शरीफ पे ही खत्म होंगे तो फिर ये पाकिस्तान की खिदमत कोई नहीं कर रहा। का नाम ही निकाल दिया था उन्होंने, तो डाला था प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों का नाम, और बच्चों का नाम होते हुए जाहिर उनके वालिद का नाम आना था, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो है ही नहीं उनमें। अब प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि मेरे एक जुमला कह दूं, आप एक जुमला कहूं राणा साहब, एक आपसे गुजारिश, एक तो ये वजीर आजम साहब का नाम नहीं लिया, दूसरा आप अगर ये कानून सुबह निकाल दें कि जितने लोगों ने कर्जे माफ करवाए हैं, जितने लोगों ने मेगा करप्शन की है और जितने लोगों का पनामा लीक्स के नाम है, सबको सरेआम फांसी लगाई जाती है, तो कम से कम मैं और मेरी तरह मेरे हाथ से जफर लाली साहब, हम सब आपके साथ मुत्तफिक होंगे। हमने तो नाम ही नहीं लिया वजीर आजम साहब का, हम तो कह रहे हैं आप ऑर्डर निकाले, फांसी लगा दे सबको, सबको लगा दे फांसी। मैं तो ये कह रहा हूं, हमने कब नाम लिया वजीर आजम, अल्लाह ताला ने सेहत दे, हम तो कह रहे हैं सबके सब अक्रॉस द बोर्ड फैसला टीओआर में हो जाएगा में, हाँ तो करें ना, ये हमने तो नाम ही नहीं लिया वजीरा, तो टीओआर कब बनाएंगे राणा साहब, टीओआर मसला ये है कि टीओआर नहीं लेकिन कब होगा। देखिए ना बात ये है, अगले कि अगर आप और वो, मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप लोग राजी नहीं हुए तो कोई अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर जाएगी, फिर आप फिर वो करना पड़ेगा, कहेंगे कि इनका नाम डालो, वो कहेंगे वो सबके सबको लपेट के फेंक देंगे उठा के, आपकी दो तिहाई पार्लियामेंट तो बाहर खड़ी हो जाएगी जाके। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको हल करें पार्लियामेंट में, ये सड़कों पर अगर हल हुआ या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हल हुआ तो सबका रगड़ा लग जाएगा। मेरा ये पॉइंट है, अगले हफ्ते तक उम्मीद रखें हल होगा इंशाल्लाह। राणा साहब अगले हफ्ते तक उम्मीद रखें, जो टाइम दिया गया है उस पर आप लोगों के मुतफक्का टीओआर्स बन जाएंगे। वैसे राणा साहब एक जाती सवाल, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि सारे लोग जिनका नाम है, राणा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, जिस जिसका नाम है पनामा लीक्स में, जिस जिसने कर्जे माफ करवाए उन सबको करप्शन किए मेगा करप्शन, फांसी लगनी चाहिए कि नहीं उनको, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, एक पाकिस्तानी दर्दमंद पाकिस्तानी। पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में फांसी लगाना तो शायद बहुत बड़ी सजा होगी, लेकिन जो आईन में सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। कोड़े मारे उन्होंने, देखिए अब तो पाकिस्तान का, चले आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का कानून ना चेंज करे, जेल में भेज दे, वो भी बहुत बड़ी सजा है। अभी 16 साल के लिए एक साहब गए हैं, अभी एक साहब 16 साल के लिए गए, बड़ी माकूल सजा है। सही, सफर इलाली साहब स्विस अकाउंट से आप पैसा वापस लाना चाहते हैं डार साहब, अब 3 सालों के बाद। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाएं जी, शाजिया इन सबको जाना चाहिए 16 साल के लिए, पनामा लीक्स वालों को सबको जाना चाहिए। राणा साहब जवाब दे दें फिर हम आगे बढ़े, राणा साहब वक्त कम है, पनामा लीक्स वाले सब जाएं 16 साल के लिए जेल। पाकिस्तान के कानून में आप जायज तरीके से भी पैसा पनामा में लेके जा सकते हैं, चोरी करके भी ले जा सकते हैं, जिनका चोरी का पैसा है उनको जाना चाहिए। ठीक है जफर इलाली साहब, स्विस अकाउंट से आप पैसा वापस लाना चाहती है हुकूमत, आखिर 3 साल के बाद ही क्यों ख्याल आया? मेरे ख्याल में ख्याल इस वक्त अभी इसलिए आया कि ये एक पॉपुलर चीज़ है, सब वो तो खुद कह रहे थे एक ज़माने में कि हम पेट चीर के जरदारी साहब के पैसे ले आएंगे, तो अब ये वो कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बात असल ये है, ये राणा साहब ने जो कहा सही कहा है कि अगर आप पैसे मुल्क से बाहर ले गए हैं इसलिए कि आपको पैसे बाहर मिल रहे हैं, या आपका डील अनकनेक्टेड विद पाकिस्तान हुआ है और आपके पास एक फॉरेन अकाउंट है और आपने उसको डिक्लेयर किया है, ये वो, तो देर आर रीजंस कि आप पैसे बाहर रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कहने की बात नवाज शरीफ साहब की ये है, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फुल प्रूफ कंप्लीट टोटल एविडेंस के पैसे इधर गए, मेयर फ्लैट्स खरीदा, डिक्लेयर नहीं किया, हुंडी से डिक्लेयर नहीं किया, और ये मामला है। नाउ दिस इज अ फैक्ट 94-95, तो अब ये इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए हम यही पकड़ के लेके गए हैं जी। राणा साहब क्या कह रहे हैं, हम ऐसे टीओ लाली साहब इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इनके सामने वो पैसे गए हैं। सही डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक ले, भाई हसन नवाज तो कंफर्म किया है। देखिए खुदा के लिए मैं नहीं इस पे आर्ग्यू करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल है नवाज शरीफ साहब को अभी निकलना इससे। ठीक है, और इसी को लेकर अगर टीओ
इसी को लेकर बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक है ठीक है, इसी को लेकर डॉक्टर साहब लोगों का कंसर्न है कि पनामा लीक्स को लेकर मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली हो सकती है। स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, पैसे चले गए हुए, एशिया पैसिफिक में निकाल के ले गए हुए हैं। वो बात ये है, अगर जरदारी साहब की तरफ इशारा है, बात ये है कि ये ऐसे ख्वामखा में, यानी वो उनको छेड़ते हैं तो वो उनका निकाल लेते हैं, वो ये इन्होंने बात एक जो राणा साहब को की जो बात है ना अक्रॉस द बोर्ड वाली, लोग इस वक्त पनामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ साहब में इंटरेस्टेड, लोग अक्रॉस द बोर्ड में इंटरेस्टेड हैं। मेरे जैसा आदमी कहता है कि जिसने कर्जा माफ करवाया वो भी जाए, जिसने पनामा लीक्स में पाकिस्तान का पैसा लूटा है वो भी सब अक्रॉस द बोर्ड हो। अब बात यह सारी कि आपने किन लोगों को जिम्मेदारी दी है, अब वो उनको डराते हैं, ये इसीलिए ये बात आगे नहीं बढ़ रही। और ये राणा साहब जो है, राणा साहब एक मोतबर सियासतदान है, इनको अच्छी तरह से इल्म है इस बात का, अच्छी तरह से इल्म है कि कैसे मुमकिन है कि एक आदमी अपने डेथ वारंट पे साइन करे, उसने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा खाया हुआ है, या मेगा करप्शन केसेस में वो गया हुआ है, या उसने पनामा लीक्स में ऑफशोर बनाई हुई है, तो अपने हाथ से लिख के दे कि मुझे टांग दो, मुझे 40 साल के लिए इसमें अदालत आएगी, यार लोग रोडों में निकलेंगे, नार के पहले की सिस्टम आएगी। डॉक्टर साहब इसी सवाल का तो जवाब दे दें, किसी मामले को लेकर मुल्क में भी बड़ी सियासी तब्दीली आ सकती है अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो? आएगी, देखिए लोग इसको कैसे, आप कैसे कैसे लोग इस बात को पी जाएं कि आप लोगों से टैक्स मांग रहे हैं, और बाहर से कर्जा ले रहे हैं, और साथ ही आप कह रहे हैं कि जी हमने टैक्स छुपाने के लिए, एवेजन करने के लिए बाहर ऑफशोर बनाए। आखिरी सवाल राणा साहब, आपसे आपने कर्जे माफ करवाए हुए, राणा साहब कर्जे दूसरों ने कर्जे माफ करवाए हुए, ठीक है राणा साहब, इस समाज में सब नंगे हैं माजरत के साथ, क्या मुल्क अब अपोजिशन का लोगों का सड़कों पर आने का मुतहम्मिल हो सकता है? पीटीआई भी तैयार है सड़कों पर आने के लिए, वकला भी तैयार है सड़कों पर आने के लिए, क्या आप लोग मुतहम्मिल हो सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? अब कोई वापस नहीं आएगा। 14 साल के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनी है कि 10 बिजली घर बन रहे हैं, गैस पूरी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, दहशत गर्दी के खात्मे के काम हो रहा है, कोई एक इन सबको लेकर पनामा लीक्स की तहकीकात को छुपाया नहीं जा सकता, अच्छे काम अपनी जगह, लेकिन इनकी तहकीकात को लेकर इनके पीछे नहीं छुपा जा सकता। हमारे से शुरू होगी, हम इस पे तैयार हैं। चले देखते हैं कि अगले हफ्ते तक ऑपोजिशन और हुकूमत के मुतफिका टीओआर कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदे डॉक्टर साहब। पठानकोट मामले में भारत की जानिब से पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलना, मोदी के दौरे अमेरिका से पहले इस इंकशाफ की कितनी अहमियत है? देखें शाजिया, बड़ी बदकिस्मती है हमारी के हमारी फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत ने क्लीन चिट दे दी, मुझे नहीं पता हुकूमत पाकिस्तान ने क्लीन चिट दी है कि नहीं। गुजरांवाला में FIR किस पे कटवाई थी अभी तक मुझे नहीं पता। एक FIR कटवा गए थे गुजरांवाला में, और वो FIR अगर झूठी कटवाई थी तो किसने कटवाई थी? और यहां पे FIR कटवा दी गई है और वहां से क्लीन चिट मिल गई है। एक मैं दूसरी बात कि देखिए, अल्लाह ताला सेहत दे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को, उनका मुकाबला किससे हो रहा है? मोदी साहब से। मोदी साहब के वजीर खारजा अलग हैं, वो खातून जो हैं उन, वो मोदी साहब कल के दिन नजर आए दोपहर को हेरात में डैम का इफ्तिताह करते हुए, उसके बाद वो निकल गए कतर, कतर से वो निकल गए स्विट्जरलैंड निकलेंगे, और स्विट्जरलैंड में वो स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? वो स्विट्जरलैंड इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन से पहले अपनी कौम से वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं वो मुआहदा तय करने। आप जरा उनको, उनका मुकाबला करें अपने हुक्मरानों के साथ। उसके बाद वो वहां से जाएंगे अमेरिका और वहां कांग्रेस के खिताब करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मेक्सिको, और मेक्सिको से वापस जुमेरात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी वो 6 दिन में 5 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं उनके वजीर आजम। और हमारे मुल्क में देखें, मुझे नहीं पता फातमी साहब दुनिया के किस बर्रे आजम के, किस मुल्क के अंदर, किस गांव में कहां पिकनिक मना रहे हैं, मैं नहीं जानता। सरताज अजीज साहब
मतलब खुदा जाने कहां से तुलू होते हैं, वो कहां से गरूब होते हैं, कहां से निकलते हैं। आप मुझे बताएं इस मुल्क की फिर खर्चा पॉलिसी कौन चला रहा है? बैक एंड पे कोई चला रहा है? वजीर खर्चा कोई है नहीं? कौन चला रहा है इस मुल्क की खर्चा पॉलिसी? आप यकीन करें, अगर ये पोपल जई साहब को मिल जाए ना फॉरेन पॉलिसी, तो पोपल जई साहब कम से कम ये आगे पीछे बयान देंगे, उससे इनसे बेहतर ये पोपल जई साहब बनवा लेंगे। मेरा तो ये सजेशन है, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क हो गया है। कोई वजीर खारजा नहीं, कायम मकाम वजीर खारजा भी नहीं है। अच्छा, जब होने पे आते हैं तो आठ आठ हो जाते हैं, वजीर दाखला भी होते हैं, वो मोहम्मद जुबैर साहब भी हो जाते हैं, सारे सारे लोग, क्योंकि सबके इंटरेस्ट लगे हुए बाहर के साथ। शायद खान अब्बासी जो है वो कतर के आपको लगता है कि वजीर खारजा है, कोई आपको लगता है दुबई का वजीर खारजा है, कोई आपको लगता है यूके का वजीर खारजा है। यानी हर आदमी यहाँ अपने अपने चक्रों में लगा हुआ है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जफर लाली साहब, पठानकोट मैं एक जुमला सिर्फ कह दूं, पठानकोट पे भारत को, किसी को पाकिस्तान, भारत को क्या कहें, पाकिस्तान की हुकूमत को कहना चाहिए था भारत को कि आप जरा माजरत करें, आप माजरत करें कि आपने इतना बड़ा, हम हुकूमत को कहना चाहिए था कि माजरत करें आपने पाकिस्तान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। और उसके साथ ही बाकी जो आपके यहाँ वाकयात हुए हैं बशमूल मुंबई अटैक, उसकी भी जरा तहकीकात कर लें, समझौता एक्सप्रेस को भी उठा लें। लेकिन कहे कौन, कौन कहे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, या तो खुद बिल्लियां बन के भाग गए सारे। सही, जफर लाली साहब, पठानकोट हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तान को इसकी साफ शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन जब कुलभूषण यादव यहाँ पाकिस्तान से पकड़ा जाता है, जासूस पकड़ा जाता है, हम लोग आलमी सतह पर इस मामले को उजागर करने में क्यों नाकाम रहे? क्या इसमें भी हमारी खारजा पॉलिसी ही कमज़ोर नज़र आती है कि हम अपने मामलात को, अपने अपने जो मुल्की मफादात हैं उनको आलमी सतह पर उजागर ही नहीं कर सकते, उनको उनको तहफ़ुज़ ही नहीं दे सकते हम लोग? देखिए, दो बातें हैं, एक तो हम इसको उठा रहे हैं, हम यूएन को जा रहे हैं, ठीक तरीके से हम इसकी रिकॉर्डिंग्स बना रहे हैं और हम एविडेंस भी पेश कर रहे हैं और उसका असर होगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हमारा और इंडिया जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया, वो कहते हैं ये कुत्ते बिल्ली का लड़ाई होते रहता है और लोग तंग आ जाते हैं, लोग अभी सुनना नहीं चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से, अगर नॉर्थ कोरिया का क्रिटिसिज्म साउथ कोरिया के आए, कोई सुनना नहीं चाहता। अब मैं एक चीज़ पे बहुत हैरान हूँ शाजिया, और आप भी जो आपने कहा, एक लिहाज से सब लोग कह रहे हैं और एक लिहाज से इसका मतलब मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पे डीजी इंडिया का नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या कहा, उसने कहा वी हैव नो एविडेंस टू शो दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द एजेंसी ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्पिंग जैश मसूद अजहर टू कैरी आउट अटैक। और बड़े खुश हो गए। नहीं, खुदा के लिए वो स्टेटमेंट पे थोड़ा पढ़ें और आपको समझ आएगी कि दिस इज नॉट अ कॉज फॉर हैप्पीनेस। देखिए वो क्या कह रहा था, कुमार ये कह रहा था कि पाकिस्तान इतना डिसफंक्शनल स्टेट हो गया है कि हालांकि उसके उसके एजेंसीज को कुछ पता ही नहीं था कि जैश के ये लोग हमारे खिलाफ अटैक कर रहे थे। हालांकि जैसे हमने आपको पहले बताया है, ये मसूद अजहर और उसका बेटा और जो भी हो, ये उनके अपने एसेट्स हैं। तो वो बेसिक यही उन्होंने कहा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी कोई एजेंसी मुलविस नहीं है, पाकिस्तान मुलविस नहीं है। नहीं है, मगर देखिए ना आशाजिया, अगर आपके घर से कुछ चीज निकलता है, आपको पता भी नहीं होता है, इसके मतलब ये है ना कि आपका घर का कंट्रोल वीक है। यही वो कहना चाहते हैं, या ये खुद करते हैं या इनके पुराने एसेट्स करते हैं, और इन बेचारे ये हालात हो गई है इनके कि इनको पता ही नहीं चाहिए। हमारा स्टेटमेंट क्या होना था, हमने कहना था ये झूठ है, पहले भी इन्होंने झूठ किया, अब ये कहते हैं मसूद अजहर ने किया, ले आओ सबूत। कोई सबूत नहीं। और हमारा स्पोक्समैन ने यह कहता, एक और स्टेटमेंट के लिए ठहरे, जब वो मानेंगे कि ना मसूद था ना हम थे, मगर वो खुद किया उन्होंने एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जैसे चार पहले जो हुए हैं और 1970 से हो रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके जब आपके पास एक अपर हैंड होता है, आपने इनको इस किस्म की बातें बतानी चाहिए। और लोग हंसते,
मैं तो हंस रहा था। और ये देखिए, ये पारिकर कहता है विंडो ऑफ गुडविल ऑन पाकिस्तान इज क्लोजिंग, आरएसएस का एक्सट्रीमिस्ट जहरीला एंटी मुस्लिम कहता है वी हैव एक्सटेंडेड अ विंडो ऑफ गुडविल टू पाकिस्तान। ओ यार खुदा के लिए, किसको तुम फुसला रहे हो? तुम्हारे अपने मुसलमान नहीं मानते हो, तुम गुडविल कह रहे हो। क्रेडिट खुद ले रही है डॉक्टर साहब के, परवेज रशीद साहब कहते हैं कि इसका क्रेडिट भी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत को जाता है जो भारत ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है, क्योंकि ये वजीर आजम साहब की पॉलिसी का हिस्सा है। देखें बात सुनिए, ये हलाली साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि वो स्टेटमेंट शायद हमने सही तरह पढ़ी नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट अगर सही तरह पढ़ भी लें जैसे हलाली साहब ने फरमाया, उसको मैं पढ़ भी लूं तो भी वो लगता है कि एक पागलों वाली स्टेटमेंट है। क्योंकि क्या अगर स्टेट यानी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान का कोई अदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यानी मसूद अजहर जो है वो खुद उठते हैं, एक शख्स यहां से उठता है और जाके वहां पठानकोट पे फड़का के आ जाता है लोगों को, यानी उसको यानी इतनी डिसे, ये तो स्टेटमेंट वैसे फारिग स्टेटमेंट है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा जफर लाली साहब से। जफर लाली साहब, हम भाड़ झोंक रहे हैं अक्वाम मुत्तहिदा में, आप जो कह रहे हैं ना केस बनाने, उससे पहले भी डोसियर लेके गए थे, मैं खुद पहुंचा और मैं वहां शर्मिंदा में इंतजार करता रह गया कि वो डोसियर का इतना बड़ा पलंदा कब निकलेगा। वो मियां साहब ने ऐसे दूर से हाथ लाया, मोदी ने कहा हाय टाटा, वो हाय बाय बाय करके दोनों निकल गए। वो डोसियर कहां गया किसी को पता ही नहीं, वो इतना मोटा पलंदा। ये फिर इसी तरह का एक केस है, आप कह रहे हैं कि हम उठाएंगे, पता नहीं रिकॉर्डिंग हमारे पास उनके पास, ये कुछ नहीं कख नहीं होगा। आप डिप्लोमेटिक सतह पे ना किसी से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है अक्वामे मुत्तहिदा में, कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन बात कर रहा है किसी अरब मुल्क से, कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम कहीं नहीं उठा, हमारी खारिजा पॉलिसी जो है बदकिस्मती के साथ हमारे हुक्मरानों की तरह, वो भी ऑफशोर किसी ऑफशोर अकाउंट में पड़ी हुई है और पता किसको नहीं है। जब तक ये आप अपने बुनियादी मसाइल, आप गवर्नेंस इस्लामाबाद की ठीक नहीं करेंगे, ये सारे मसाइल चारों तरफ से आपको दबोचते रहेंगे, रियासत को दबोचते रहेंगे और ऐसे बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे जिस तरह कर दिया दुनिया में। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जफर साहब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाइट एडिशन से शाज़िया अज़ीज़ शान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।